एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सन वांग। सो सॉरी गाइस, एक्चुअली कल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी तो मैं बहुत जल्दी ही सो गई थी, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई और एडिट भी नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई। एनीवेज, आज मैं अपलोड कर रही हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से लान वांग जी ने विभूषण के साथ चिटिंग करके, उसके मतलब नोटी नोटी हरकतें करके वो जीत गया था। ओके, सो अभी आगे देखते हैं। विंग जो कि बहुत गुस्सा है और गुस्से में वो हाथ और पैर दीवार पे ठोके जा रहा है और मार रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा में, अपने हर एक फ्रस्ट्रेशन को निकालते जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो निहोसन बोलता है, वे भाई आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? तो विंग बोलता है, तो गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ, हाँ मेरा बस तो चले ना, तो मैं इस लान वांग जी का तो मैं गर्दन ही तोड़ के अलग कर दूँ। हाँ, ये मुझे बहुत इरीटेट कर रहा है, इसकी वजह से मैं हार गया। तो जो निहोसन है ना वो बोलता है कि बट आप हार कैसे गए, आप तो कितना अच्छा फाइटिंग कर रहे थे। तो विंग ना उसके तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है वो कर क्या रहा था? वो फाइट कम कर रहा था, मेरे साथ फ्लर्ट ज़्यादा कर रहा था। ये सुन के सब चुप और एकदम सॉक्ड होके देखने लगते विंग को। वो पूछते, क्या लान वांग जी वो भी फ्लर्ट? हाँ, यकीन ही नहीं मुझे, ऐसा बोलते हैं सब के सब, ऐसा करके अपना मुँह फेर लेते हैं। फिर विंग बोलते हैं, क्या तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा? तो पता भी है वो मतलब शॉर्ट फाइटिंग करते करते वो मुझे टच कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से, मेरी मुझे हैरेस कर रहा था वो, समझ में आया? उसने मुझे यहाँ पे टच किया, अपने कमर की तरफ उंगली करते हुए बताया कि उसने यहाँ पे टच किया। फिर उसके बाद अपने ब्रेस्ट पे मतलब चेस्ट पे हाथ दिखा के बोला कि यहाँ पे टच किया, फिर नेक में, पीठ पे, मतलब इसी तरीके से एरिया को दिखाते हुए ना, यहाँ तक कि उसके बट पर भी उसने मतलब दिखाते हुए बोला कि यहाँ पे भी टच किया। मुझे अभी भी उसके हाथ जो है ना अपने बॉडी पे फील आ रहा है और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस लान वांग जी के ऊपर। मैं उसका गला दबा दूंगा, उसे जान से मार डालूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। और यहाँ पे तो सब लोग एकदम शांति से एकदम खड़े हैं स्पीचलेस होकर। फिर जैनचन बोलता है, लान वांग जी ने तुम्हें हैरेस किया? ओह माय गॉड, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो विंग ना एकदम गुस्सा जाता है और उस जैनचन को ना किक करने लगता है, बोलता है, तुम्हारी तो तुम लोग कर क्या रहे हो, हाँ तुम लोग शौक पे शौक क्यों हो रहे हो, हाँ मैंने जब कहा तो तुम लोग को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? तो न्यूज़ बोलता है, हाँ, हम लोग को विश्वास है ना, वे भाई आप गुस्सा मत, हमें विश्वास है आपके ऊपर, हमें पूरा यकीन है आपके ऊपर, पक्का इस लान वांग जी ने ही कुछ किया होगा। तो विंग बोलता है, उसी ने किया है मेरे साथ। फिर ना न्यूज़ बोलता है, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। बट विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा था वो। अभी यहाँ से ना सीन शिफ्ट करके हमें कॉलेज के पीछे का उसी गार्डन का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार फिर से सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पे जो मतलब निहोसन है ना वो सबको बताता है कि विंग क्या क्या बता रहा था कि किस तरीके से लान वांग जी ने उसके बॉडी को टच किया, वो भी स्वेट फाइटिंग के टाइम। हम लोग को दिख तो नहीं रहा था बट विभूषण ने हम लोग को बताया। ये बात सुनते ही ना सिचेन तो पूरा शॉक, जैसे वो तो मतलब सदमे में ही चले गए और वो बोले, क्या मेरा छोटा सा बेबी ब्रदर वो ये भी कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो सोचता क्या है? ओ माय गॉड, वो बेचारे वे भाई, उनका क्या हालत हुआ होगा उस टाइम। फिर जैनचन बोलता है, शुक्र मनाओ उस टाइम लान वांग जी उसके सामने नहीं था, वरना लान वांग जी तो गया, मतलब वो तो आज उसकी क्या खैर होती ना हमें भी नहीं पता। तब तो मतलब फिर वहाँ पे ना वो मैं गया, वो बोलता है, तब तो पक्का
अगर ऐसा होता ना तो वे वुशियान की जगह यिलिंग पेट्रियाक ही आ जाते। ये सुन के ना सब जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ना लंस चैन बोलते हैं, लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं हो रही है कि मेरा भाई, मेरा वो बेबी ब्रदर जो हमेशा शांत सा और काफ़ी ज़्यादा साय नेचर का मेरा भाई, आज वो ऐसा हरकत कर रहा है। फिर जियांगचेन बोलता है, पता नहीं ये दोनों का क्या होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इन्हें एक कैसे करेंगे। फिर तब वेनिंग बोलता है, बात तो आपकी सही है, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो ये दोनों एक कैसे होंगे और हमारे मिशन का क्या। तो नियोसन बोलता है, वेनिंग तुम सही कह रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर मैम्या बोलती है, क्यों ना हम लोग कुछ करें। तो वेंजिंग उसके तरफ देखती है और पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करना चाहती हो। तो ना मैम्या बोलती है, कुछ दिनों के बाद हम लोग, मतलब कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, नॉर्मल क्लासेस, तो क्यों ना हम लोग एक रूम में विभूषण अलान वांग जी को बंद कर दे बाहर से। ये सुन के ना सबका एकदम, मतलब सब लोग ना इमेजिन करने लगा कि क्या क्या होगा। अब यहाँ पे नियोसन सोचता है कि लान वांग जी और विभूषण एक रूम में है, और जैसे ही विंग देखता है कि ये डोर बंद हो गया है और वहाँ पे लान वांग जी है, उसका जैसे गुस्से का जो पावर है ना वो हाई हो गया। और फिर उसके बाद उस रूम से बाहर निकला लान वांग जी, जिसका आँख जो है ना, आँख के ऊपर काला काला एकदम घेरा बन गया है, गोल में एकदम, उसका मुंह फूट गया है, उसका गाल एकदम चपटा हो गया है और उसके लिप से ब्लड निकल रहा है, उसका वो उसका जो हाथ है ना वो उसके पीठ पे, और ये दूसरा हाथ उसके बम बम पे, मतलब कमर के ऊपर है थोड़ा सा वहाँ है, और वो निकल रहा है लंगड़ लंगड़ के बाहर। ये सुन रहा है, मतलब ये सोच रहा है नी हुसैन। ओके, अभी जियांग चैन सोच रहा है, अगर वो दोनों रूम में रहे तो क्या होगा। यहाँ पे जो मतलब विभूषण है ना वो अंदर देखा तो वहाँ पे लान वांग जी बैठा हुआ है। अब उसे देखते ही, तो लान वांग जी को देखते ही विंग का खून खौल गया। अब वो चाकू निकाला अपने बैग में, क्योंकि विंग बैग में चाकू लगे घूमता रहता है, तो वो चाकू निकाला, निकाल के बस इधर से खेच 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 हो गया काम तमाम लान वांग जी का। और जय जय नी हुसैन, सभी के सभी जितने लोग थे वहाँ पे, सभी के सभी एक साथ चिल्ला के बोलते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के ना वहाँ पे जो वेंचिंग और मैम्या और यानली थी ना, वो तीनों ही एकदम वो हो गए, स्टंट हो गए कि क्या हो गया इन लोग को। फिर ना न्यूसन बोलता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर लाल मांग जी को हम लोगों ने विभूषण के साथ छोड़ दिया ना तो बेचारा उसका क्या हालत होगा, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। फिर लाल सचन बोलते हैं, बिल्कुल मेरा भाई, पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, अगर विभूषण के अंदर ये लिंक पैट्रैक आ गया तो उसका तो खेल ही खलास, मतलब ख़त्म ही खेल उसका, बेचारा प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म। तो मैं बोलती है, क्या बकवास वाली बातें कर रही हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग जब एक साथ रूम में रहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, फिर उसके बाद एक दूसरे से जब बातें करेंगे तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व इसी तरह हो जाएगा, फिर वो लोग फ्रेंड्स बन जाएंगे और फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद उन दोनों मिलाप हो जाएगा। हाय कितना अच्छा मेरा प्लान है ना वेंचिंग। तो ना वेंचिंग ना उसे घूर कर देखती है, पीछे से जियांग याली ना एक चपटा मारती है उसके सर पे। वो बोलते, क्या बकवास प्लान है तुम्हारा, अगर वो दोनों रूम में घुसे ना एक रूम में, वो पूरा रूम का कबाड़ा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। फिर प्रिंसिपल प्रिंसिपल से डांट अलग, इसलिए इस प्लान को तो ड्रॉप ही कर दो। तो सब लोग बोलते हैं, तो अब क्या करें। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो करके ना हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, कॉलेज का ही सीन है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग जो है ना वो कॉलेज में एंट्री करता है। आज विंग थोड़ा सा खोया खोया था, वो काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब अपने मन में ही खोया हुआ था, वो कुछ सोच के चल रहा था।
तभी वो ना किसी से टकरा गया, तो वो देखता है ना, तो वो निहुसन रहता है जो कि पीठ के तरफ, मतलब विंग के तरफ उसका पीठ रहता है। तो वो निहुसन पीछे मुड़ के देखता है, फिर बोलता है कि क्या हुआ है वे भाई, आप क्या सोच के चल रहे हैं जिससे आप लड़ गए मुझसे। तो ना विंग बोलता है, सॉरी निहुसन, वो मैं कुछ सोच रहा था इसीलिए। तो वेनिंग पीछे से निकलता है, फिर बोलता है, क्या सोच रहे थे आप? तो विंग बोलता है, वो कुछ नहीं, बस इसी तरह। तो मतलब जो न्यूसन है ना, वो बोलता है, वे भाई अब हमें दोस्त समझते हैं ना, तो आप बताइए क्या बात है, बताइए, हम सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो विंग बोलता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी, तो मतलब सोच रहा था। तो न्यूसन पूछता है कि बताइए ना क्या हुआ है। तो ना विंग उसके तरफ देखता है, फिर वेनिंग की तरफ देखता है, फिर वो बोलता है, एक्चुअली आज मुझे बहुत एक अजीब सा एक सपना आया। तो ना वो सब बोलते हैं, सपना, चलिए हम लोग कैंटीन में बात करते हैं, ठीक है। फिर वो सभी ना कैंटीन में चले जाते हैं, मतलब वो दो वो ही तीनों सिर्फ, तो वहाँ पे जाते हैं। फिर वो वहाँ पे निहोसन पूछता है कि बताइए कैसा सपना आया था। फिर विंग बताना स्टार्ट कर देता है कि उसके सपने में कोई एक एक इंसान था जो कि मतलब शायद कोई चाइनीज ट्रेडिशनल रोब्स पहना था, हांफू पहना हुआ था, वो भी ब्लैक कलर का, और वो खाई से गिर रहा था, और उसके सामने एक वाइट कलर का रोब पहना हुआ कोई इंसान था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर है कौन। अब ये सुन के ना जो वेनिंग है ना, वो एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि क्या है सपना। और फिर बताता है कि उसने ये भी सीन देखा कि वो जो ब्लैक रोब कलर का जो ड्रेस पहना हुआ था ना, वो कुछ लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उसके आंखों में आंसू है, और वाइट रोब वाले जो इंसान है ना, वो ब्लैक वाले रोब के अगल बगल है, वो तो मतलब उसको ना मतलब तलवार से लड़ाई कर रहा है। मतलब यही सब उसने देखा कि काफ़ी सारे युद्ध हो रहे, आपस में तलवार टकरा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसा ऐसा सीन देखा। तो ना निहुसन ने बोलता है, अरे वे भाई आप क्यों अपने दिमाग में इतना जोर डाल रहे हैं, हाँ आप ये सब सिर्फ एक सपना है, आप इस सबको भूल जाइए, ठीक है, आप मौज मस्ती कीजिए। तो वही हाँ मैं सही ला देता है, बट फिर भी अभी वो कुछ सोच ही रहा था। तभी ना न्यूसन बोलता है कि अगर, मतलब अपने मन में ही बोलता है वो, अगर वे भाई ऐसी तरह सोचते रहें तो कहीं उनकी सारी याददाश्त ना आ जाए सपने के थ्रू। तो वो ना इधर उधर देखता है, इधर उधर देखता है, सोचने की कोशिश करता है। तभी फिर वो बोलता है, अरे वे भाई चलिए ना हम लोग कुछ खाते हैं, आपने ब्रेकफास्ट किया है? तो वे बोलता है, नहीं। तो न्यूसन बोलता है, चलिए बहुत अच्छा काम किया आपने, ब्रेकफास्ट नहीं किया, चलिए आइए हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसा बोलकर उसे खींच के लेके जाता है, और वो दोनों ब्रेकफास्ट, मतलब तीनों ही मिलके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। बाद में उसके सारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, विंग को ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है कॉलेज के बाद का सीन, वो भी कॉलेज के पीछे का जो गार्डन है ना, उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे आज फिर से सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और न्यूसेन और वेंचिंग उसे बताते हैं कि विंग को किस तरीके का सपना आया है। ये सुनते ही ना वेंचिंग बोलती है, ये तो बहुत गलत हुआ, अगर विंग को फ्लैशबैक सारी याद आ गई तो। फिर लाइन से चैन बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वरना पूरा पूरा का पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा, पूरी लाइफ उनकी ख़राब हो जाएगी, उन्हें सपना नहीं आना चाहिए, अब क्या करें। फिर सुयांग बोलता है, कहीं लानवांग जी को तो नहीं ना सब याददाश्त आ गया है, जिसके कारण से वो विंग के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करता है। तो ना लैंस से चैन बोलते हैं, क्या पता नहीं, बट अगर उसे याददाश्त आया होता तो वो तुम सबको कुछ ना कुछ हिंट तो दिया होता ना, और मुझे भी हिंट दिया होता। तो सब लोग ना, मतलब सॉन्गलॉन बोलता है, बात तो आपकी सही है, अगर उसकी याददाश्त आई होती
तो वो इस तरीके से शांत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ तो प्लान करता ही, बट वो नहीं कर रहा ऐसा। और साथ ही साथ मतलब वो सिर्फ विंग को ही परेशान करता है, सिर्फ चैलेंज देता है विंग को, साथ वो लड़ता है। अगर उसे याददाश्त आई होती तब तो वो उसे काफ़ी स्वीटली और प्यार से बात करता, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं करता। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? फिर ना लेंसेजन बोलते हैं, अगर वे भाई मतलब मास्टर वे को विंग को ये सारी बातें याद हो गई तो पता नहीं क्या होगा। इससे अच्छा है कि विंग को कुछ भी ना याद आए। तो सुयांग बोलता है, हम लोगों को ना उनका माइंड डाइवर्ट करना होगा। तो ना ये सुन के ना न्यूसन बोलता है, हाँ उसके लिए है ना लानवांग जी, हम लोग को क्या मेहनत करना। ये सुन के ना सब लोग उसको घूर के देखने लगते हैं। फिर ना सुयांग बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है, लानवांग जी ही है जो कि उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकता है। तो ना ये सुन के ना सब लोग ना मतलब उसे देखने लगते हैं, और फिर ना सबके सब स्माइल करने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, ठीक है। वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है और वो किसी चीज़ को देख रहा है, उसके हाथ में एक फ़ोटो है और उस फोटो को देखते जा रहा है वो, और वो बोल रहा है, हाँ विंग तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, माय गॉड तुम बहुत स्वीट हो, मैं तुम्हारा क्या करूँ, मन करता है तो मैं खा ही जाऊँ। तुम मेरे सामने आ जाते हो ना तुम से कंट्रोल नहीं होता है मुझसे, बस मुझे यही मन करता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पे फोकस करो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ाई करता रहता हूँ। उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से तुम मुझे पसंद आ गए हो अपने पार्टनर के रूप में, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, पर इस बारे में मैं किसी को नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं। अभी यहाँ से वांग जी का एक फ्लैशबैक जाता है, ओके। वांग जी जो कि अब्रॉड से जब वो आया था पढ़ाई करके, कि अब वो चाइना में ही पढ़ाई करेगा, जब वो आया था ना तो उसके एक दिन पहले मतलब एक दिन बाद ना वो सोचा था कि चलो अब चाइना थोड़ा सा घूम लेता हूँ, बहुत टाइम के बाद आया हूँ तो चलो थोड़ा सा घूम लेता हूँ। तो वो ना मतलब कार से जा रहा था वो, तो ना एक पार्किंग पे सॉरी रेड लाइट पे उसका कार रुकता है। तो वो ना इधर उधर शीशे से बाहर देख रहा था, तभी वो देखता है कि एक ग्रैंडमा जो कि सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी बट वो कर नहीं पा रही थी, और उनके अगल बगल से ना काफ़ी सारे लोग गुजर जा रहे थे बट उनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पे विंग आया और विंग ने काफ़ी ज़्यादा स्वीटली उनसे बातें किया और उनका हाथ बहुत ही प्यार से पकड़ा और उन्हें सड़क को पार कराया। ये देख के ना वांग जी का हार्ट जो है ना वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसी टाइम पे वांग जी ने विंग की फ़ोटो खींच ली थी। उसके बाद वो घर जाके, वांग जी काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, तो घर जा कर के वो खुद से ही लैपटॉप से विंग की सारी डाटा मतलब सारे बैकग्राउंड उसका निकालता है, जितना निकाल सकता है उसका इन्फॉर्मेशन वो सभी निकालता है। और फिर उसे पता चलता है कि ये तो वीवो शियान है और वो इस कॉलेज में ही पढ़ता है। उसको पहले से ही पता था कि जिस कॉलेज में वो पढ़ने जा रहा है उसका एडमिशन हो रहा है उसी कॉलेज में उसका फर्स्ट लव भी है। हाँ। अब यहाँ से फ्लैशबैक मतलब अभी भी फ्लैशबैक ही, ओके। तो जब वांग जी उस कॉलेज में फर्स्ट टाइम गया था ना तब उसने विंग को देखा था वहाँ पे, कि वो किस तरीके से बैठा हुआ है और अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। वो अपने टेबल पे बैठा था और फिर उसके बाद वो मतलब चुपके चुपके से ही विंग को देख रहा था। फिर जब विंग उसके पास आया था उससे हैंडशेक करने कि वो उसका दोस्त बन सकता है, ये देख के ना विंग का पूरा कान लाल हो गया था, क्योंकि उसका क्रश उसके पास आया उससे बातें करने के लिए। बट वो इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था ना कि वो फ्रेंडशिप की जगह बल्कि लड़ाई ही कर लेता है।
और ये सोच के ना विंग के फेस पे स्माइल आ गया, मतलब वांगजी के फेस पे स्माइल आ गया। ओके और वांगजी फिर सोचता है कि किस तरीके से उसने विंग को हर एक चीज़ में परेशान किया, उसे हर एक चीज़ के लिए चिढ़ाया, और तो किस तरीके से उसे वो किया कि वो कैसे पैसों के दम पे आया है इस कॉलेज पे, वो इस खेल में भी नहीं जीत सकता, और किस तरीके से उसने स्वॉर्ड फाइटिंग में उसने विंग के साथ नोटी नोटी हरकतें किया था। ये सब सोच के ना वांगजी के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और यहाँ पे फ्लैशबैक इंड होता है, और वांगजी सोचता है हाय क्या ही बोलूँ, तुम्हारा फेस का वो जो गुस्से वाला चेहरा जो होता है ना, मतलब गुस्से में जो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है तुम्हें उस रूप में देख के। जैसे लगता है कि मैंने मैंने बहुत टाइम से इस चीज़ को मिस किया है, मुझे अरसों लग गए हैं इस चीज़ को देखने के लिए, इस प्यारे से मुखड़े को देखने के लिए, तुम्हारा वो क्यूट सा स्वीट सा फेस, पता नहीं क्यों अपना सा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा और तुम्हारा जन्म जन्मों का रिश्ता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं गॉड को दिल से शुक्रिया कहूँगा कि तुम्हें फिर से मुझसे मिलाने के लिए। आई लव यू विंग, आई रियली रियली लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। आई विश तुम कभी भी कभी मेरे इस दिल की बात समझ सको। मैं लफ्ज़ों में बयां तो ना कर पाऊँ बट तुम मेरे इस दिल की बात तो समझ जाओ। ऐसा सब सोचते हुए ना वांगजी अपने बेड पे लेट जाता है विंग का फोटो देखते हुए, और फिर वो बोलता है तुम ही मेरा धूप हो, तुम ही मेरे सूरज हो, तुम ही मेरा चांद हो, तुमसे प्यारा कोई नहीं है, तुम ही मेरा दिन हो, तुम ही मेरा रात हो, और हर पल मेरे दिल से एक यही आवाज़ निकलता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आई विश तुम मेरे आंखों के सामने इसी तरीके से रहो, जब मैं सो के उठूं तब तुम्हारे चेहरा मेरे सामने हो और तुम मेरे पास हो, एक स्माइल के साथ मुझे देख रहे हो, और जब मैं सोऊं तो भी तुम्हारा चेहरा मेरे सामने हो और तुम मेरे पास रहो, मेरे दिल के करीब, बिल्कुल इस फोटो को की तरह। इसे करके वो उस फोटो को ना अपने दिल के करीब रख लेता है, और फिर वो अपने आंखें बंद कर लेता है, फिर वो बोलता है विंग पता नहीं कब तुम मेरे प्यार को समझोगे और मेरे जज्बात को समझोगे, पता नहीं कब तुम मुझे समझोगे और मेरे करीब आओगे। हाँ ऐसा करके वो एक साय करता है और उसके बाद वो सो जाता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि डिनर करने के बाद वो अपने रूम में आ चुका था, वो गुस्से में बोलता है इस बंदे का प्रॉब्लम क्या है, जब देखा तब मुझसे लड़ाई करता रहता है, जब देखा तब करता रहता है लड़ाई, अरे थोड़ा सा भी शांति से क्यों नहीं रह सकता, और खुद भी नहीं रहता शांति से और मुझे भी शांति से नहीं रहने देता, कोई ना कोई टॉपिक उठा ही लेता है मुझसे लड़ाई करने के लिए, पता नहीं क्या इसको चुल मस्ती है मुझसे लड़ाई करने में, क्या इसको खुशी मिलती है क्या मुझसे लड़ाई करके भला। फिर वो एकदम चुप हो जाता है, फिर वो बोलता है खुशी मिलती है मुझसे लड़ाई करके, एक मिनट कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है ना, या फिर पूरा दाल ही काला है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, आखिरकार इस लड़के लान वांगजी के दिमाग में चल क्या रहा है, कहीं मतलब मुझे परेशान करने के लिए तो नहीं ना आ जाता है दिन भर, क्योंकि एक छोटे से टॉपिक पे भला कौन लड़ाई करता है, वो भी कैंटीन में रास्ते की वजह से, मैं बगल से ही तो जा रहा था और वो मेरे सामने आया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं तो उसके सामने आया नहीं था, मैं सब साफ साफ मुझे याद है मैं बगल से जा रहा था, वो जबकि मेरे सामने आके मुझसे टकराया था और फिर भी मेरे से लड़ाई करने लगा,
कुछ तो गड़बड़ है विंग, पता था तुझे लगाना पड़ेगा। अपना दिमाग यूज कर, अब से मेरी नजर लान वांग जी के ऊपर रहेगी और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इससे मुझे तंग करने की कोशिश की, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा बोलकर ना विंग सोचता है और फिर ना वांग जी के बारे में सोचते सोचते ही वो सो जाता है, कब पता ही नहीं चलता है। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं तक। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा है, ओके? और कुछ लोग का डाउट था कि वांग जी को शायद पता है कि विंग उसका मतलब पुनर्जन्म का ही मेट है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, पिछले जन्म में जैसे विंग और वांग जी थे उसी तरीके से उन लोगों का मॉडर्न वर्ल्ड में न्यू जन्म हुआ है। उन लोगों को डाउट था तो मैं आज क्लियर कर दी हूँ कि नहीं, वांग जी को बिल्कुल भी याद नहीं है कि विंग उसका पहले मतलब उसके साथ पहले जन्म में मतलब पिछले जन्म में कुछ रिश्ता था विंग के साथ, उसका पुनर्जन्म हुआ है। वांग जी को बिल्कुल भी ये बात याद नहीं है, ओके? और ना ही विंग को। हाँ, विंग को एकाक बार सपना ज़रूर आ जाता है, बट उसे याद नहीं है कि आखिरकार वो लोग पिछले जन्म के ही साथ ही है, ठीक है? तो जिनका जिनका डाउट था ये मैंने क्लियर कर दिया है, आई होप। तो अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा इसका पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।